स्टूडेंट, आई एम योर साइंस टीचर मिस शाइस्ता। टुडे वी स्टार्ट अवर न्यू सेशन 2020। फर्स्ट ईयर सेंड यू मिड टर्म एग्जामिनेशन सिलेबस। एज यूजुअल आपने फर्स्ट पेज पर इस मिड टर्म एग्जामिनेशन सिलेबस को कॉपी करना है, उसके बाद आपने टाइटल पेज बनाना है मिड टर्म एग्जामिनेशन का। नाउ वी स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस। ओपन योर बुक पेज नंबर 2। नाउ आई डिफाइन यू The first chapter, our first chapter, cells, tissues and organ. Firstly, I define you what is cell. All organisms, plants and animals are made up of tiny units called cells, packed tightly together. There are many different types of cells, all of which have different functions. जिसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये basic fundamental structural functional unit of life है। जिस तरीके से आपको कोई building बनाने के लिए सबसे पहले एक block की जरूरत होती है, block से आप वॉल्स तामीर करते हैं, वॉल्स से रूम्स बनते हैं और रूम से पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। जस्ट लाइक इसी तरीके से हमारे बॉडी स्ट्रक्चर बनाने के अंदर सबसे पहले जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या कहलाता है, आपका सेल। सेल जितनी भी जानदार चीज़ें बनी हुई होती हैं वो एक सेल से या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनती हैं। जो सिंगल सेल से मिलकर बनती हैं चीज़ें उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनि मीन्स वन, यानी कि एक सेल से बनी हुई। और जो एक से ज़्यादा, यानी आप इसी यूनिफैक्ट्स में भी देख सकते हैं, आपको पता है कि प्लांट्स भी हमारे जो हैं वो लिविंग थिंग्स में ही शामिल हैं। तो मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ टाइनी सेल्स, यानी एक से ज़्यादा सेल्स से जो मिलकर प्लांट्स एनिमल्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। यूनि सेलुलर और मल्टी सेलुलर को आपके पेज नंबर 5 पर भी इसकी डिटेल्स मौजूद हैं जो आप स्टडी कर सकते हैं। आपको शॉर्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप देखिए सेल्स के स्ट्रक्चर को। सेल्स में प्लांट सेल और सेल्स दो तरह के हैं, आपके प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में कुछ जो है वो कॉमन फीचर्स होते हैं। मोस्ट सेल्स हैव सर्टेन फीचर्स इन कॉमन, जिसमें आपके सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स व्हाट गोज इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, यानी क्या सेल में जाना है क्या आना है, इन तमाम चीज़ों को आपकी सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है। साइटोप्लाज्म जो है वो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक साइटोप्लाज्म, या आपने देखा ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है पूरा। इसमें आपके मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसमें आपके वैक्यूल है, आपके सेल मेम्ब्रेन है, आपके साइटो न्यूक्लियस शामिल है। इसमें क्लोरोप्लास्ट के मौजूद है, जिसकी वजह से आपको प्लांट को ग्रीन कलर मिलता है। इसको हम ग्रीन पिगमेंट्स को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उसके बाद आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस आप ये देखिए कि जिस तरीके से ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारी तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, इसी तरीके से सेल की तमाम एक्टिविटीज़ आपका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। स्ट्रक्चर आपके सामने है कि प्लांट सेल है वो सेल वॉल। सेल वॉल होती है सेल एज सेल मेम्ब्रेन, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। द सेल वॉल इज मेडअप ऑफ मटीरियल कॉल्ड सेल्यूलोस। सेल्यूलोस से बनी हुई होती है वॉल, विच हैज़ टू कीप द प्लांट रिजिड। फिर एक बैग लाइक वैक्यूल होता है, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि साइटोप्लाज्म में काफ़ी बड़ा एरिया को जो है वो वैक्यूल टेक्स अप द मोस्ट ऑफ द स्पेस इन साइड द सेल एंड कंटेन अ सोल्यूशन ऑफ सुगर एंड सॉल्ट्स। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड सेल सैप। द सेल सैप पुशेज द साइटोप्लाज्म टू अगेंस्ट द सेल सैप पुशेज द साइटोप्लाज्म अप अगेंस्ट द सेल वॉल टू कीप द सेल रिड्यूस। अच्छा, अब इसमें मैंने आपको पहले बताया कि ये कॉमन फीचर्स थे आपके सेल्स के। प्लांट और एनिमल सेल्स में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंसेस ये है कि आपको प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल, इसमें सेल वॉल है। एनिमल सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल। वन बिग वैक्यूल प्रेजेंट इन प्लांट सेल और वेरियस स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट इन एनिमल सेल। प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड एनिमल डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये ग्रीन कलर जो है ड्यू टू द पिगमेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। प्लांट को जो ग्रीन कलर देते हैं वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, जिसको हम ग्रीन पिगमेंट्स को क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल यूज बाय प्लांट इन फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका टिश्यूज है। टिश्यूज को अब आपको मैं नेक्स्ट अपना जो टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इस वक्त मैं इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज कर रही हूँ।
अब मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ। जब आपने टाइटल पेज बना लिया है, उसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की हेडिंग्स डालनी है। अपने चैप्टर टाइटल पेज बनाया चैप्टर का, सेल्स इश्यूज एंड ऑर्गन, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की आपने हेडिंग डालेंगे। और जो मैं वर्क आपको सेंड कर रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपने सेल्स इश्यूज ऑर्गन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स, इनको डिटेल आपने बुक से रीड करना है। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस का वर्क आपने करना है जो डिफरेंस